नमस्कार, है पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेरी पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एनबीएस में जैसे की नई जो वैकेंसी 2024 की वो आपकी आउट हो चुकी है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या गई थी, ठीक है, रिजल्ट जो है वो किस तरीके से दिया गया था, हाईएस्ट कट ऑफ क्या रही थी, लोएस्ट कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था स्टूडेंट का, कैटेगरी वाइज यूआर में कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, एससी में कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, ओबीसी में कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस कट ऑफ के बेस पे आपके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है, टारगेट स्कोर आपको क्या लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपको एक सीट यहाँ पे मिल सके। उसके अलावा पहले कितनी वैकेंसी आई थी, इस बार कितनी वैकेंसी है, इन सब के बारे में सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो 2022 की वैकेंसी आई थी, यहाँ पे जो जैसे की पोस्ट थी वो आपकी टोटल जो पोस्ट थी वो 622 थी, जिसमें यूआर की जो पोस्ट थी वो 254 थी, ईडब्ल्यूएस की 62 पोस्ट थी, उसके अलावा ओबीसी की 167 पोस्ट थी, उसके अलावा एससी की आपकी 93 पोस्ट थी, एसटी की जो पोस्ट थी वो आपकी 46 थी 2022 की जो वैकेंसी थी। इस बार आपकी जो वैकेंसी आई है वो 360 आई हैं, और उसके अलावा जो आपका हेड क्वार्टर में वैकेंसी है वो 21 वैकेंसी, यानी कि ओवरऑल जो वैकेंसी है इस बार वो 381, यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग मतलब आधे से कुछ ज़्यादा वैकेंसी आपकी यहाँ पे हैं। तो इसके बेसिस पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो कट ऑफ रही है उससे ज़्यादा ही कट ऑफ यहाँ पे रहेगी। अगर हम पिछले बार की कट ऑफ की बात करें तो पिछले बार जो कट ऑफ इन्होंने दिया था वो इस तरीके से दिया था, जैसे जिस बच्चे के मैक्सिमम स्कोर है तो उसको सबसे ऊपर रखा, इस तरीके से मतलब घटाते हुए चले आए, सबसे ज़्यादा स्कोर वाले को सबसे ऊपर, उससे कम वाले को उससे नीचे, और सबसे लास्ट में जो है मतलब जिसके सबसे कम मार्क्स आए, जहाँ पे जो लास्ट एस्पिरेंट जो सेलेक्ट हुआ जो सबसे जिसके कम मार्क्स थे वो सबसे नीचे था, मतलब इस तरीके से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने रिजल्ट को दिया था, मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले को ऊपर और फिर उस तरीके से लास्ट जो जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसका लिस्ट में नाम था। तो किस तरीके से रिजल्ट दिया वो आप देख सकते हैं। अगर हाईएस्ट यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो हाईएस्ट आप कट ऑफ देख सकते हैं, पेपर जो हुआ था वो 130 मार्क्स का ही था, इस बार भी आपका 130 नंबर का पेपर है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे जो कट ऑफ है वो आपकी 133.90 है। तो आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ जो है ओवरऑल मार्क्स से ज़्यादा है, तो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से, नॉर्मलाइजेशन हुआ था उस वजह से जो कट ऑफ है वो आपकी आपको ज़्यादा दिख रही होगी। बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं तो ऐसा एमटीएस में भी आप देख पा रहे होंगे, जो ओवरऑल जितने नंबर का पेपर होता है उससे ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है, उसका रीज़न क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एसटी की जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो 133.90 गई थी, यूआर की जो मैक्सिमम कट ऑफ थी वो 133.90 थी, यूआर की फिर 124.26 थी, ऐसे ही आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये मैक्सिमम कट ऑफ थी। और मिनिमम जो सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी वाइज वो आप देख सकते हैं, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूआर में जो लास्ट सिलेक्शन हुआ है एस्पिरेंट का वो 80 नंबर पे हुआ, यानी कि जिस बच्चे ने 80 स्कोर कर लिया है, 80 या उससे ऊपर स्कोर पिछली बार किया था, तो उसको यहाँ पे एक पोस्ट मिल गई थी। ऐसे ओबीसी की अगर हम बात करें, जिस बच्चे ने 75 स्कोर कर लिया या उससे ऊपर किया उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 कट ऑफ गई थी मिनिमम, एससी की बात करें तो 71 कट ऑफ गई थी, एसटी की बात करें तो 68, यानी कि इससे कम मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जबकि वैकेंसी कितनी रही थी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो 622 थी, इस बार वैकेंसी आपकी मतलब आधे से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके लिए क्या स्कोर रह सकता है, क्या टारगेट स्कोर रह सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम टारगेट स्कोर की बात करें, चूँकि क्या है, हर साल कंपटीशन भी आपका बढ़ता है और वैकेंसी भी आपकी डिक्रीज हुई है, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे एससी कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से, चूँकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर में बहुत ज़्यादा गैप आपका नहीं रहता है, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से और आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप फोकस करिए कि आपको 100 प्लस स्कोर करना है। ये मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये स्कोर आपका और भी बढ़ सकता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप 100 प्लस जो नंबर हैं उन्हें लाने का प्रयास करो, तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक सीट मिल पाएगी। तो ये 100 जो स्कोर है ये आपका रॉ स्कोर मैं बता रहा हूँ, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 प्लस पर टारगेट करना है, तभी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी अगर आप इस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितनी भी जानकारी है उसके बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताता रहूँगा, बाकी टाइपिंग कहाँ से करनी है, उसके अलावा मैथ्स के लिए भी मैं बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ। तो उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता
चाहता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ आप सीख पाए होंगे, आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।